अरे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ई पाठशाला में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, कोरल ड्रॉ। डेस्कटॉप पब्लिशिंग के बारे में हमने प्लस वन में भी पढ़ा था, लेकिन वहां पे था पेज मेकर सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कोरल ड्रॉ के बारे में। अब ये जो कोरल ड्रॉ है, इसके अंदर हम काम करते हैं लोगोस की डिजाइनिंग का और एनिमेशन को बनाने का काम। ठीक है, लोगोस ये आपने देखे ही होंगे टीवी चैनल्स के ऊपर, है ना, एबीवीपी, स्टार प्लस, स्टार न्यूज, यानी कि हर एक चैनल का अपना लोगो होता है और इन सारे के सारे लोगोस की डिजाइनिंग का काम किया जाता है कोरल ड्रॉ के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी कंपनीज हैं या गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, उनकी जितनी भी वेबसाइट्स हैं, उनकी वेबसाइट का जो भी लोगो होता है, वो सारे के सारे लोगोस इसी के अंदर बनते हैं। ठीक है, यानी कि पूरे के पूरे लोगोस की डिजाइनिंग का काम इसके अंदर होता है। ठीक है, इसके अलावा हम इसके अंदर बना सकते हैं एनिमेशन, जिसको जिनको हम ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के फॉर्मेट्स भी हम कोरल ड्रॉ के अंदर बना सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, व्हाट इज कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ क्या है? कोरल ड्रॉ इज ए बेस्ट ग्राफिक एंड वेक्टर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। कोरल ड्रॉ एक बहुत ही बढ़िया ग्राफिक और वेक्टर डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, दैट इज डेवलप्ड बाय कोरल कॉर्पोरेशन ऑफ ओटावा, जिसको कोरल कॉर्पोरेशन, जो कि ओटावा में है, कनाडा में है, उसने उसको बनाया है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है कोरल ड्रॉ। इट क्रिएट हाई क्वालिटी वेक्टर लोगो एंड पेज लेआउट डिजाइन। इसमें हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं? बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वेक्टर लोगो और पेज लेआउट के डिजाइन बना सकते हैं कोरल ड्रॉ के अंदर। ठीक है, अब कोरल ड्रॉ को अगर हमने सीखना हो प्रैक्टिकली, तो इसके लिए हमें इसको अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके चैप्टर में कि इंस्टॉलेशन ऑफ कोरल ड्रॉ, कोरल ड्रॉ को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, इसको हम प्रैक्टिकली स्कूल में भी कर लेंगे जब स्कूल लगेंगे। फिलहाल यहाँ पे स्टेप्स हैं, तो ये स्टेप्स आपने कॉपी पे भी नोट कर लेने हैं। अगर आप लोग इंस्टॉल करना चाहते हो अपने घर में कंप्यूटर में, तो कर सकते हो। इंस्टॉलेशन की जो प्रोसेस होती है वो बिल्कुल ईजी होती है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है कि इंसर्ट इंस्टॉलेशन डीवीडी और प्लग इन पेन ड्राइव ऑफ कोरल ड्रॉ एंड डबल क्लिक ऑन सेटअप डॉट ई एक्स और ऑटो रन फाइल। क्या करेंगे कि हमारे डिपेंड करता है कि कोरल ड्रॉ का जो सॉफ्टवेयर हमारे पास किस चीज़ में है, डीवीडी में है, पेन ड्राइव में है, या कि कंप्यूटर के अंदर ही है पहले से, या नेट से डाउनलोड कर रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, जब डाउनलोड हो जाता है नेट से भी, तो सेम यही सेटअप डॉट ई फाइल वहां से भी आती है, और डीवीडी हो या पेन ड्राइव हो, उनके अंदर भी सॉफ्टवेयर के जो पैकेज होता है उसके अंदर ये सेटअप डॉट ई की फाइल होती है, ऑटो रन फाइल नाम से भी होती है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप रहता है हमारे पास कि वेन कोरल ड्रॉ इंस्टॉलेशन स्क्रीन विल अपीयर देन क्लिक ऑन इंस्टॉल कोरल ड्रॉ आर ग्राफिक सूट X3। ये 13 है X3, एक्स मीन 10, 3 मतलब 13 हुआ ही कि वर्जन है कोरल ड्रॉ का, कि जब कोरल ड्रॉ इंस्टॉलेशन स्क्रीन अपीयर हो जाएगी, सामने आ जाएगी, तो हमने एक ऑप्शन पे क्लिक करना है, इंस्टॉल कोरल ड्रॉ आर ग्राफिक सूट X3, एक ऑप्शन आएगी, इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, थर्ड स्टेप में सेलेक्ट द लैंग्वेज ऑफ इंस्टॉलेशन सच एज इंग्लिश एंड क्लिक ओके। उसके बाद हमने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है इंस्टॉलेशन की, जैसे इंग्लिश सेलेक्ट कर ली, और उसके बाद क्लिक करेंगे ओके। फोर्थ स्टेप में हम करेंगे नाउ एक्सेप्ट द टर्म ऑफ लाइसेंस एग्रीमेंट एंड क्लिक नेक्स्ट। यहाँ पे एंड लिख लेना आपने। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, नाउ एक्सेप्ट द टर्म ऑफ लाइसेंस एग्रीमेंट, उसके बाद लाइसेंस आएगा, उसके ऊपर एक चेकबॉक्स बना होगा नीचे, उस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद पांचवा स्टेप, नाउ गो बैक टू कोरल ड्रॉ इंस्टॉलेशन डीवीडी एंड डबल क्लिक ऑन की फाइल एंड कॉपी की वर्स 1x1 एंड पेस्ट इन टू टेक्स बॉक्सिस ऑफ इंस्टॉलेशन रिजल्ट एंड क्लिक नेक्स्ट। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है हमने, जब ये लाइसेंस का एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, उसके बाद एक स्क्रीन आएगी कि की डालो, एक्टिवेशन की होती है हर एक सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे चलने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके लिए एक एक्टिवेशन की भी होती है। वो की जो होती है वो उसी सॉफ्टवेयर के पैकेट के अंदर होती है। ठीक है, नाउ गो बैक टू कोरल ड्रॉ इंस्टॉलेशन डीवीडी, तभी बोल रहे हैं कि वापस हमने क्या करना, उसी डीवीडी के अंदर जाना, उसी पैकेज के अंदर जाना, उसी फोल्डर के अंदर जाना, और वहां पे एक फाइल होगी एंड क्लिक ऑन की फाइल, एक की फाइल बनी होगी, उसके अंदर की होगी एक्टिवेशन की एंड कॉपी की वर्ड्स 1x1, और उसके बाद हमने कॉपीज करने हैं जो भी की वर्ड्स लिखे होंगे 1x1, और जो
यहाँ पे लाइसेंस का एग्रीमेंट चेक करने के बाद जो स्क्रीन आएगी नेक्स्ट, उसमें टेक्स्ट बॉक्सेस बन के आएंगे। उन टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर एक एक करके हमने पेस्ट करने हैं ऑफ इंस्टॉलेशन विजार्ड एंड क्लिक नेक्स्ट। उसके बाद हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद छठा स्टेप है कि चेक ऑल थ्री बॉक्सेस एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। उसके बाद तीन और बॉक्सेस बन के आते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। वो एक्स्ट्रा जो यूटिलिटीज होती हैं प्रोग्राम्स में, चेक नहीं भी करेंगे तब भी चल पड़ेगा सॉफ्टवेयर, लेकिन चेक कर लो तो पूरी की पूरी फैसिलिटी मिल जाती है सॉफ्टवेयर में। बाद में बीच में कोई ऑप्शंस होती नहीं भी चलती हैं तो ये पूरी की पूरी ऑप्शंस जो है एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। उसका सेवन स्टेप आता है कि क्लिक ऑन इंस्टॉल टू कंटिन्यू इंस्टॉलेशन। उसके बाद हमने इंस्टॉल पे क्लिक करना है इंस्टॉलेशन को कंटिन्यू करने के लिए। और लास्ट स्टेप रहेगा एट स्टेप, नाउ कीप वॉचिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस अंटिल इट विल फिनिश। उसके बाद हमने इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को देखते रहना है जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा कोरल ड्रॉ जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी कोरल ड्रॉ की इंस्टॉलेशन प्रोसेस। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे, जो आप लोगों ने प्लस वन में भी पढ़ा हुआ है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफिक प्रोग्राम और इमेज और बेसिक ग्राफिक टर्मिनोलॉजी। ये आपको प्लस टू में भी है, ठीक है। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ग्राफिक प्रोग्राम और इमेजेस इन कंप्यूटर सिस्टम, फर्स्ट इज बिट मैप इमेजेस एंड सेकेंड इज वैक्टर इमेजेस। अब बेसिकली जो है दो तरह के ग्राफिक प्रोग्राम है कंप्यूटर में इमेजेस के, एक होती है बिट मैप इमेजेस और दूसरी होती है वैक्टर इमेजेस। दी इमेजेस आर स्टोर्ड इन डिफरेंट वे बाई ये कंप्यूटर एंड दीज डिफरेंट वेज आर कॉल्ड फाइल फॉर्मेट। ये जो इमेजेस होती हैं ये अलग अलग तरीके से, अलग अलग वे से, अलग अलग तरीके से कंप्यूटर में सेव होती है और उन्हीं तरीकों को हम क्या बोलते हैं, एंड दीज डिफरेंट वेज आर कॉल्ड फाइल फॉर्मेट, और उनको हम क्या बोलते हैं, फाइल फॉर्मेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बिट मैप इमेजेस की। पहले दी बिट मैप इमेजेस आर मेड अप ऑफ टाइनी डॉट्स एंड दीज डॉट्स ऑन योर कंप्यूटर आर कॉल्ड पिक्सल्स। अब ये जो बिट मैप इमेजेस होती हैं ये बनती हैं नन्हे नन्हे डॉट्स से, और यही डॉट्स होते हैं कंप्यूटर के ऊपर, इनको हम क्या बोलते हैं, पिक्सल्स। ये शायद मैंने आपको प्लस वन में करवाया भी थी। जैसे हम इमेज को इनलार्ज करें ना तो वो इमेज इस तरह से दिखाने लगती है, लंबी लंबी से वो ग्रीडिंग दिखाने लगती है, जैसे एक्सेल एक्सेल में बनी होती है ना सेल्स की ग्रीडिंग, वैसे ही हर एक पॉइंट जो लाइन काटती है वो पॉइंट बनता है, उसको हम पिक्सल बोलते हैं, ठीक है। दीज पिक्सल्स मेक रो एंड कॉलम, यही पिक्सल रो एंड कॉलम बनाते हैं एंड कम टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ ए पिक्चर ऑन ए स्क्रीन, और इकट्ठे आते हैं एक पिक्चर के रूप में, ठीक है, फिर एक पिक्चर के रूप में दिखाई देते हैं स्क्रीन के ऊपर। द रेजोल्यूशन ऑफ बिट मैप इमेज इज मेजर्ड इन पिक्सल पर इंच। अब ये जो रेजोल्यूशन होता है बिट मैप इमेजेस का, ये मेजर होता है पिक्सल पर इंच में। PPI एक स्टैंडर्ड यूनिट है ग्राफिक्स की मेजरमेंट की, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस की। इट कैन इजीली क्रिएट, इनको हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव, थोड़ी सी कॉस्ट इफेक्टिव है। इट कैन इजीली क्रिएट विद डिजिटल कैमरा स्कैन, ये जो डिजिटल कैमरा फोटोज हैं हम खींचते हैं वो सारी की सारी क्या है, बिट मैप इमेजेस ही हैं, और स्कैनिंग से भी जो क्रिएट होगी इमेज वो भी क्या है, एक बिट मैप इमेज है। उसके बाद बात करें इनकी डिसएडवांटेज की, तो एनलार्जिंग ऑफ दीज इमेजेस कैन लॉस देयर क्वालिटी। अगर इन इमेजेस को हम बड़ा करेंगे ना, एनलार्ज करेंगे ज़्यादा ही, तो इनकी जो क्वालिटी है वो खत्म हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है इमेजेस। इफ वी शैल ट्राई टू मेक इट बिगर देन इट बिकम फजी और जैगी, ठीक है। अगर हम इनको कोशिश करते हैं बड़ा बनाने की तो इट कम बिकम फजी और जीगी जैगी, फजी और जैगी हो जाती है, मतलब कि ऊपर खाबड़ सी दिखाई देने लगती हैं फिर ये, ठीक है, फजी और जैगी ऊपर खाबड़। अब बात करें बिटमैप फाइल एग्जांपल की, तो बिटमैप फाइल एग्जांपल है जैसे .tiff है, ये होती हैं JPG होती हैं जो हम फोटो खींचते हैं JPG में, GIF होती हैं ग्राफिक्स इंटेलिजेंट फॉर्मेट होती है, और फोटोशॉप में बनाते हैं PSD, .png होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये सारे के सारे बिट मैप फाइल फॉर्मेट के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब बात करें वेक्टर इमेजेस की, वेक्टर कौन सी होती हैं, तो वेक्टर इमेजेस आर क्रिएटेड विद मैनी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन ग्राफिक्स प्रोग्राम लाइक कोरल ड्रॉ, एडोब इलस्ट्रेटर, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर इमेजेस। ये जो वेक्टर इमेजेस होती हैं क्रिएटेड विद ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, कुछ एक ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उनसे ये बनती हैं, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी बनती हैं ये इन ग्राफिक्स प्रोग्राम, ये बनती है ग्राफिक्स प्रोग्राम के अंदर, जैसे कोरल ड्रॉ हो गई, एडोब इलस्ट्रेटर हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं वेक्टर इमेजेस को बनाने के। इफ वी एनलार्ज और स्केल दीज इमेजेस देन दे कैन नॉट लॉस देयर क्वालिटी। अगर इनको हम एनलार्ज करें तो इनकी क्वालिटी जो होती है वो लॉस नहीं होती है, ठीक है।
इनका एक एग्जांपल मैं आपको दिखा भी दूंगा। एडवांटेजेस की बात करें तो वेक्टर ग्राफिक्स कैन बी इजीली स्केल्ड अप टू एनी साइज विदाउट लॉस ऑफ क्वालिटी। अगर हम वेक्टर ग्राफिक्स को स्केल करते हैं ना, बड़ा करते हैं, लार्ज करते हैं, तो इनकी क्वालिटी खत्म नहीं होती है, जबकि बिटमैप की हो जाती है। वेक्टर ग्राफिक्स कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू बिट मैप। वेक्टर ग्राफिक्स को हम इजीली आसानी से बिट मैप में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज है कि व्हाट बिट मैप इमेजेस आर नॉट इजी टू कन्वर्ट इनटू वेक्टर। जबकि जो बिट मैप इमेजेस होती है वो इजी नहीं होती कन्वर्ट करना वेक्टर में, ठीक है। अब ये वेक्टर के फाइल फॉर्मेट्स हैं .pdf, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट .eps, एनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट इलस्ट्रेटर आर्टवर्क है, .cdr रिकॉर्डर ड्रॉ की फाइल है, .sbg स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स है। ये सारे की सारी वेक्टर फाइल्स के फॉर्मेट्स हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं कि पिक्सल क्या होता है। द स्मॉलेस्ट स्क्वेयर एलिमेंट और कलर डॉट ऑफ ए पिक्चर इज कॉल्ड पिक्सल, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ पिक्सल और कलर डॉट्स इन ए पिक्चर मेक्स अ रेजोल्यूशन ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। मोस्टली स्क्रीन रेजोल्यूशन इज 1024x768। अब जो छोटा सा एलिमेंट होता था, स्मॉलेस्ट स्क्वेयर एलिमेंट और कलर डॉट ऑफ ए पिक्चर, कल पिक्चर के अंदर जो भी एक स्क्वेयर एलिमेंट और कलर डॉट बनता है ना, उसको पिक्सल बोलते हैं। और ये बहुत सारे जो पिक्सल होते हैं ना, लार्ज नंबर ऑफ पिक्सल और कलर डॉट, ये बहुत सारे पिक्सल और कलर डॉट जो होते हैं इन्हें पिक्चर मेक अ रेजोल्यूशन ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एक रेजोल्यूशन बनाते हैं। और मोस्टली जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन होता है वो 1024x768 होता है। चलिए अब बात करें पीपीआई की, पिक्सल पर इंच। पीपीआई स्टैंड फॉर पिक्सल पर इंच, विच इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ ग्राफिक्स मेजरमेंट एंड सम टाइम इट इज नोन एज डीपीआई डॉट पर इंच। प्रोफेशनल प्रिंटिंग रिक्वायर 300+ PPI। अब ये जो पीपीआई होती है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है पिक्सल पर इंच, जो एक स्टैंडर्ड यूनिट है ग्राफिक्स को मापने की। हम ग्राफिक्स को जो मापते हैं ना, यानी कि पिक्चर की क्वालिटी को जो मापते हैं, वो पीपीआई से मापते हैं कि पिक्सल पर इंच कितने हैं। एंड सम टाइम इट इज नाउन, और कुछ कई बार इसको हम क्या बोल देते हैं, डीपीआई डॉट पर इंच भी बोलते हैं। और प्रोफेशनल प्रिंटिंग जो होती है ना रिक्वायर, ये जो हम प्रिंटिंग करते हैं पेज के ऊपर, जैसे कलर प्रिंटिंग होती है, तो वो 300+ PPI होती है पिक्सल पर इंच, तभी वो अच्छी देखने में लगती है फोटोज की क्वालिटी, ठीक है। अभी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट डे करेंगे। इससे पहले हम इनका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, वेक्टर और ये जो आपकी बिट मैप इमेजेस हैं, इनको मैं आपको एमएस वर्ड के अंदर ही दिखा दूंगा। यहाँ पे एक नई फाइल ले लेते हैं, नया पेज ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से कुछ एक, जैसे ये हैं शेप्स, इनकी ये होती हैं वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बनी होती हैं, इनकी क्वालिटी होती है वो ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। ये हैं वो हमारे वेक्टर इमेजेस इस तरह की, ये होती हैं वो वेक्टर इमेजेस, ठीक है। ये हमारी वेक्टर इमेजेस हैं। और तो आपको दिखाऊं, मैं दूसरी जेपीजी फाइल फॉर्मेट में दिखा देता हूँ, एक फॉर्मेट ही दिखाता हूँ, इंसर्ट। जैसे मान लो मैं यहाँ से एक पिक्चर डाल देता हूँ, जैसे डेस्कटॉप में से, ये एक पिक्चर डाल देते हैं, ठीक है। ये है वो आपकी बिट मैप इमेजेस, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि इन इमेजेस को अगर हम एनलार्ज करें तो इनकी क्वालिटी जो होती है वो खत्म हो जाती है। अब इस पिक्चर को मैं ओपन करता हूँ, मान लो कोई भी पिक्चर ओपन कर लेते हैं, यहाँ से मैं ये पिक्चर ओपन करता हूँ विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जैसे ये पिक्चर लार्ज करके देखे ना इस पिक्चर को, ये देखो स्ट्रेच हो रही है, इसकी जो क्वालिटी होती है मतलब कि खत्म हो जाती है। अब अगर गौर से देखें ना इन पिक्चर्स में, तो आप लोगों को पिक्सल जरूर नजर आएंगे, लाइंस बन रही है ना, देखो ग्रीडिंग सी बन रही है बीच में,
मतलब कि ये छोटे छोटे जो डॉट्स बन रहे हैं ना, यही डॉट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं एक पिक्चर के ऊपर, इन्हीं डॉट्स पे क्या बनती है हमारी पिक्चर बनती है। ये जो बहुत सारे जो डॉट्स होते हैं ना इकट्ठे, इनको हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इसलिए देखो जब कभी भी हमने कंप्यूटर में सेटिंग करनी होती है ना डिस्प्ले की, तो वो होती है रेजोल्यूशन में। जब देखो यहाँ पे स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है वो 1366x3768 है लैपटॉप की स्क्रीन के हिसाब से। मैंने जो स्टैंडर्ड बताई थी वो भी है यहाँ पे, 1024x768, ये सारी की सारी। अब इस पे एक लैपटॉप की जो बन रही है ना स्क्रीन की रेजोल्यूशन, वो ये है रेकमेंडेड, ये बन रही है, इसलिए इसकी जो क्वालिटी आ रही है पिक्चर की वो और भी ज़्यादा बढ़िया है। जबकि स्कूल में अगर हम एलईडी की बात करें ना, अगर वहाँ पे ओपन करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को ये जो पिक्चर्स है ना, अगर इनको हम स्ट्रेच करेंगे तो ये इस तरह से फट सी जाती हैं पिक्चर्स, और बीच में से जो छोटे छोटे डॉट नज़र आते हैं, पिक्सल नज़र आते हैं, ठीक है। ये है वो रेजोल्यूशन, यानी कि ये जो मेजरमेंट दी हुई है ना यहाँ पे, जैसे 1024x768, यानी कि हाइट और विड्थ के हिसाब से ये इतने सारे पिक्सल्स हैं। अगर इनको मल्टीप्लाई करें ना तो इतने सारे पिक्सल्स हैं स्क्रीन के ऊपर। ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है पूरी की पूरी, इसके ऊपर इतने सारे पिक्सल्स हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट रह भी जाएगा तो आप लोगों को स्कूल में प्रैक्टिकली क्लियर करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफी था, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।